Good morning to all of you, friends, and a very warm welcome to the online classes of CPS Learning, the best competitive institute. If you are an aspirant who is preparing for UPSC, HAS, Allied Services, SSC, Banking. And other entrance exams like CAT and MAT, then join CPS Learning today and feel the real difference of preparation. Now, let's move towards the most important current affairs of 8 December 2021. And here are the important topics we are going to discuss in our today's session: these are obituaries, uh, international ratings, important day, new appointments, financial affairs, and uh, partnership and memorandum.

अपनी एडवाइसेस अपनी जो सजेशंस हैं वो इस ऐप के थ्रू जो है गवर्नमेंट तक पहुंचा पाएगी और वैसा वर्षा यानी कि जो पॉपुलेशन है उसको भी बजट के बारे में जो इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी इस ऐप के थ्रू तो पूछा गया है हमसे क्वेश्चन में कि किस राज्य के द्वारा जो है हमारा अपन बजट जो है शुरू की गई है एक एप्लीकेशन उसके स्टेट फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर बी झारखंड जी हाँ झारखंड जो है शुरू करने जा रहा है हमार अपन बजट झारखंड चीफ़ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जी हाँ झारखंड के जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है हेमंत सोरेन इन्होंने जो है लॉन्च किया है हमारा अपन बजट वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप प्रिपेड बाय द फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट जो है चीफ मिनिस्टर रेजिडेंशियल ऑफिस यानी कि स्टेट जो आप बोलते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट उसके द्वारा बनाई गई एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू जो है एक पोर्टल दिया जाएगा कॉमन मास यानी उसकी स्टेट की पॉपुलेशन को कि वो जो है अपने वैल्यूएबल सजेशंस जो है बजट 2022 और 23 को लेकर गवर्नमेंट तक पहुंचा सकें बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ एस एंड पी यानी स्टैंडर्ड एंड पुअर जो है एक यूएस बेस्ड एक रेटिंग एजेंसी है पूछा गया उसके द्वारा भारत की जो जी डी पी है ग्रोस्टोमेटिक प्रोडक्ट जो रेट है वो किस दर से बढ़ने वाली है दो हजार बाईस पूछा गया है हमसे और करेक्ट ऑप्शन इज़ फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 9.5 परसेंट जी हाँ जो हमारी जीडीपी है वो 2022 वर्ष में फिस्कल ईयर 2022 में 9.5 परसेंट की रेट से ग्रो करने वाली है जो कि अनचेंज है पहले भी जो है एस के द्वारा इस डेटा को दिया गया था एस ग्लोबल रेटिंग हैज़ Retained the GDP gro growth forecast of India unchanged at 9.5% for the fiscal year 2021 to 2022 and 7.8% for the fiscal year 2023. Here it is next question Which project has won the two UNESCO Asia Pacific Award for Cultural Heritage Conservation 2021? पूछा गया है किस जो हमारा प्रोजेक्ट है भारत का ही ये प्रोजेक्ट है जिसने दो यूनेस्को अवार्ड्स को जो है जीता है कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के तहत एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी निज़ामुद्दीन बस्ती जी हाँ रिवाइवल प्रोजेक्ट ऑफ निज़ामुद्दीन बस्ती जो कि एक बहुत ही पुरानी बस्ती है उसके रिवाइवल प्रोजेक्ट ने जीता है जो कि न्यू डेली में है एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन ट्वेंटी ट्वेंटी वन Nizamuddin Revival Project India's project on the holistic urban revi revitalization of historic Nizamuddin basti community in New Delhi has won UNESCO Asia Pacific Award for Cultural Heritage Conservation 2021 under these two categories award of excellence and special recognition of sustainable development चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ एवरी ईयर वर्ल्ड सोयल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ़ द फॉलोइंग डे जी हाँ पूछा गया है हर वर्ष जो है वर्ल्ड सोयल डे किस दिन मनाया जाता है एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज़ ऑप्शन नंबर ए फिफ्थ ऑफ दिसंबर जी हाँ हर वर्ष जो है पाँच दिसंबर को हम वर्ल्ड सोयल डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड सोयल डे इज़ हेल्ड एनुअली ऑन 5th दिसंबर एज अ मींस ऑफ फोकस अटेंशन ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ ऑफ सॉयल जी हाँ जो सॉइल की हेल्थ है जो हम फार्मिंग करते हैं और बहुत सारा जो इरिगेशन है उनसे जो है हेल्थ यानी कि सोयल की जो फर्टिलिटी है और वो सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम होते जाते हैं तो उसकी अवेयरनेस के रूप में हम जो है इस दिन को जो है सेलिब्रेट करते हैं एक सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ सॉयल रिसोर्स के रूप में जो है जागरूकता हम फैलाना चाहते हैं बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ वट वॉज द सीम थीम ऑफ इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे 2021 जी हाँ इस वर्ष जो है वॉलेंटियर डे की थीम क्या थी ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है एंड

वॉलेंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट थीम ट्वेंटी ट्वेंटी वन वॉलेंटियर नाव फॉर आवर कॉमन फ्यूचर जी हाँ जिसकी थीम है एक बार फिर से आपको वो बताई जा रही है वॉल्टियर नाव फॉर आवर कॉमन फ्यूचर हर इट इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन यर स्क्रीन नाव अलका उपाध्याय हैज़ बीन अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ विच इंस्टीट्यूट जी हाँ पूछा गया है अलका उपाध्याय को किस इंस्टीट्यूट का चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष बनाया गया है एंड द करेक्ट ऑप्शन इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जी हाँ इनको नहाई यानी एन का अध्यक्ष बनाया गया है चेयरपर्सन बनाया गया है अलका उपाध्याय हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ एन एंड ऑल्सो संजय बनोपाध्याय हैज़ बीन नेम्ड एज चेयरमैन ऑफ इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जी हाँ ये दो जरूरी इंपॉर्टेंट जो आपकी अपॉइंटमेंट है एग्जाम प्रोस्पेक्ट ऑफ यू से क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं तो इनको याद करें न्यूजीलैंड अजाज़ पटेल जी हैं इनका जो है काफ़ी नाम आपको सुनने में मिल रहा होगा अभी जो है इंडिया के साथ अंडर सेवेंटीन जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उसमें इन्होंने पूरी दस की दस विकेट हासिल की और पूछा गया है क्वेश्चन में कि ऐसे कौन से बॉलर बन गए हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में दस की दस विकेटें हासिल की हैं एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर ए ही इज़ द थर्ड बॉलर ऐसे तीसरे बॉलर बन गए हैं जिन्होंने टेस्ट मैच में पूरी दस की दस विकेटें हासिल की हैं आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आप फर्स्ट दोनों तो दो प्लेयर्स का नाम कमेंट में ज़रूर बताएं जिन्होंने इससे पहले दस की दस टेस्ट विकेट्स में टेस्ट क्रिकेट में विकेट्स हासिल की ये आप देख सकते हैं स्कोर कार्ड जो सारी ही विकेट्स जो ली गई थी वो बाय अजाज़ जो है सारी की सारी कैच और बोल जो है एलबीडब्ल्यू सारी की सारी विकेट्स जो है इन्हीं के द्वारा ली गई न्यूजीलैंड के एक स्पिनर हैं ये अजाज़ पटेल दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट और इस ये मैच जो है मुंबई में खेला गया था बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ विनोद दुआ रिसेंटली पास अवे एट सिक्सटी सेवन ही वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड जी हाँ विनोद दुआ की अभी रिसेंटली सड़सठ साल की उम्र में जो है इनका निधन हो गया है पूछा गया है हमसे कि ये किस फील्ड से बिलोंग करते थे एंड ही बिलोंग्स टू जर्नलिज्म जी हाँ ये एक जर्नलिस्ट थे बहुत ही पोस्ट जी हाँ सोशल मीडिया पोस्ट के द्वारा जो है इनकी बेटी के द्वारा ये इंफॉर्मेशन शेयर की गई कि इनका जो है अब निधन हो गया चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ ओयो कंपनी हैज़ अपॉइंटेड हु मेज़ इट्स स्ट्रेटेजिक ग्रुप एडवाइजर जी हाँ इन्होंने जो है एक बहुत ही अलग जो है एक स्ट्रेटजिक ग्रुप एडवाइजर को जो है अपनी कंपनी में अपॉइंट किया तो पूछा गया है किस ये एक बैंकर हैं किस बैंकर को जो है अपॉइंट किया है ओयो कंपनी ने अपना स्ट्रेटेजिक ग्रुप एडवाइजर एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर ए रजनीश कुमार जी हाँ इन्होंने रजनीश कुमार जी को जो है अपना स्ट्रेटेजिक ग्रुप एडवाइजर जो है अपॉइंट किया है एंड रजनीश कुमार जी का नाम आपने पहले सुना होगा ये फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बढ़ते हैं हमारे आखिरी आखिरी क्वेश्चन की तरफ अंतिम क्वेश्चन की तरफ विच बैंक हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ फर्स्ट प्राइवेट इनफाइनाइट द कंट्रीज फर्स्ट एवर स्टैंड अलोन मेडल मेटल डेबिट कार्ड इन पार्टनरशिप विद वीजा जी हाँ पूछा गया है कौन सा पहला ऐसा भारतीय बैंक बनने वाला है जो कि एक मेटल डेबिट कार्ड जो है लॉन्च करेगा और इसके साथ पार्टनरशिप की है इन्होंने वीज़ा के साथ जी है वीज़ा के साथ पार्टनरशिप में कौन सा बैंक स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला है एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज़ ऑप्शन नंबर डी आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक जी हाँ आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक जो है लॉन्च करने जा रहा है फर्स्ट मेटल डेबिट कार्ड ऑफ इंडिया आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक अनाउंस द लॉन्च ऑफ़ फर्स्ट प्राइवेट इनफेनाइट द कंट्रीज़ फर्स्ट एवर स्टैंड अल ऑन मेटल डेबिट कार्ड इन पार्टनरशिप विद वीज़ा फर्स्ट प्राइवेट इन्फेनाइट इन अ लाइफ टाइम फ्री कार्ड डिजाइंड स्पेशली फॉर अ कस्टमर हु आर पार्ट ऑफ द बैंक जी हाँ स्पेशली ये पहले टारगेट करके चलेंगे उनको जो कि इस बैंक के खाता धारक हैं एंड फर्स्ट प्राइवेट प्रोग्राम अ प्रीमियम सेविंग एंड वेल्थ ऑफरिंग जी जो ये प्रोग्राम है इसमें आप एक प्रीमियम सेविंग प्रोग्राम आपको दिया जा रहा है और वेल्थ ऑफरिंग्स जो है इसमें ऑफ़र की जाएंगी इसी के साथ हमारे आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं एक बार आपसे फिर मिलेंगे हमारे अगले सेशन में और यदि एक बार फिर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे यूपीएससी, एचएसएससी, एलाइड सर्विसेज एंड बैंकिंग दैन ज्वाइन सी पी एस लर्निंग टूडे और इन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमें भी एक जो है मोटिवेशन मिले और आपके फ्रेंड्स को भी जो है ये डेली करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहें तब तक के लिए धन्यवाद